बचपन में सुना था पत्थर भी बोल उठते हैं, सागर की लहरों की तरह दिलों में लाखों सवाल पैदा कर डोल उठते हैं। सदियों तक अनजान रहने के बावजूद आज सारे संसार को उजालों की ओर ले उठते हैं। आप महान थे, आप महान रहोगे जब तक ये जमीन और आसमान होंगे। जम्बूद्वीप के महान सम्राट सम्राट अशोक, आपको शत शत नमन। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो, साथ ही साथ प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा पूरे भारत भर में निर्माण किए गए 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूप हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य जो प्राचीन काल का अवंती और चेदी का कुछ राष्ट्र मध्य प्रदेश इस राज्य में आता था, और यहीं पर उस समय पर बड़े पैमाने में प्राचीन स्मारक यानी कि प्राचीन स्तूप हुए, स्मारक हुए या फिर गुफाएं हुए, इनका निर्माण हुआ है। तो हम आज के इस वीडियो में जानकारी लेंगे मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के सागर तहसील, यहाँ पर अशोक गिरी नाम की जगह है जो कि नारायणपुर में है या फिर उसे गौरी दंत कहते हैं, तो इस तरीके हम जानकारी लेने वाले। आपसे अनुरोध है ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत ही रोचक और रोमहर्षक ये जो वीडियो है यह है, क्योंकि यहाँ पर हम जंगल में जाने वाले हैं और पूरे क्षेत्र का मुआयदा करने वाले और इसकी जानकारी आप तक पहुँचाने वाले। यहाँ तक आप सागर से आ सकते हो, सागर से डायरेक्ट जो हाईवे से आप ये नारायणपुर गाँव में आ सकते हो। छोटे छोटे रास्ते हैं लेकिन आप आ सकते हो, कोई कठिनाई नहीं होगी। नारायणपुर में गाड़ी पार्क करके आप इस पहाड़ी पर, जहाँ पर आप पूछोगे कि अशोक गिरी कहाँ पर है या फिर यहाँ के जो प्राचीन जो ये है मतलब अवशेष जो है वो कहाँ पर है, तो लोग आपको ज़रूर बताएंगे और लोग आपको ज़रूर सहायता करेंगे। तो चलिए आज का यह जो वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपको रायसेन जिले के खरबई यहाँ की जानकारी दी गई है। खरबई यहाँ पर जिस प्रकार के अभिलेख उत्कीर्णित किए गए हैं ठीक उसी प्रकार के आधुनिक अभिलेख अशोकागिरी यहाँ पर भी उत्कीर्णित किए गए हैं। नारायणपुर यह गांव सागर से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर तलगुवरी इस गांव के समीप है। इस गांव तक हम सागर रहेली इस मार्ग से आसानी से आ सकते हैं। इस क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं दी गई है। अशोकागिरी इस पहाड़ी पर बिखरे हुए अवशेषों को समेटकर स्मारक बनाए गए हैं। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के सागर तहसील के नारायणपुर इस गांव में। नारायणपुर इस गांव से हमें लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक आगे चलना पड़ेगा और आगे चलकर हम यहां का गौरी दंत नाम का जो स्थल है या फिर जो अशोक गिरी कहा जाता है इस स्थल पर हम जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर आधा रास्ता तय कर लिया है और चलते जा रहे हैं। दोनों बगल में आप देख सकते हो खेतियाँ है और इसके बीच में से ये छोटा सा रास्ता दिया गया है जो छोटा सा मतलब पूरा आगे तक जाता है, और इसी रास्ते से अभी हम पहाड़ी के नीचे पहुँचेंगे। पहाड़ी का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से आगे अभी हमें चलते जाने। हमने अभी नारायणपुर गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हम चलते हुए आए हैं और अभी भी हमें चल ही रहे हैं और आगे भी हमें चलना होगा और आगे ऊपर हम पहाड़ी के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर के जो अवशेष हैं जो पुरातन हैं काफ़ी पुरातन हैं वो सारे के सारे देखेंगे।
यस्य चेतंग समुच्छिन्नंग मूलगच्छंग समूहंतंग सवंतदोषो मेधावी साधु रूपो तीवुच्चति। जिसके भीतर से यह ईर्ष्या मात्सर्य आदि जड़ मूल से सर्वथा उच्छिन्न हो गए हो वह निगत दोष मेधावी पुरुष साधु पुरुष कहा जाता है। अभी हम पहाड़ी के निचले हिस्से में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर एक मंदिर बनाने का प्रयास जो है यहाँ के लोगों द्वारा हुआ है, और आगे एक छोटा सा झोपड़ा हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये है हाफसा या फिर जो पानी, ये देखिए यहाँ से पानी निकलता है, बोर यहाँ पर है, और बोर के यहाँ पर एक शिल्प है जो टूटा हुआ शिल्प है। तो यह जो शिल्प है यहाँ पर देखिए शैव शिल्प है, शंकर शिवलिंग की पूजा करते समय दो जो भाविक है वह वहाँ में दिखाई देता है, और एक हाथ है, हाथ दिखाया गया। तो इस प्रकार का जो शिल्प है यहाँ पर बनाया गया, और ऊपर भगवान के कई सारे मंदिर हैं। चलिए सब देखेंगे जो स्थली है। देखिए अभी हम यहाँ के ऊपरी हिस्से में आए हुए, आधा हिस्सा है ये। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर नेचुरल कार्विंग है, और यहाँ पर भी जो शैल चित्र है वह हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ संकेत हैं, हवा महल लिखा है लोगों ने यहाँ पर, और मतलब यहाँ से तेज हवा आती होगी उसके कारण इसे हवा महल कहा गया होगा। और यहाँ पर एक कुटिया है और वह बंद की गई है। ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, हम देखेंगे अंदर। ये देखिए एक मंदिर है छोटा सा, मतलब एक गुफा ही है, और उसके अंदर कुछ शिलालेख भी अंकित है। देखिए आगे यहाँ पर शिलालेख लिखे हुए हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से शिलालेख जो है हाल ही के यह लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं, कुछ भगवान के मंत्र हैं वह यहाँ पर दीवार में उत्कीर्णित किए गए। इससे हम फिर से जैसे थे वैसे करेंगे, लगा देते हैं। यहाँ पर हमने इसे लगा दिया। देखिए ये सारे जो यहाँ पर पेंटिंग्स है, लेकिन ये हाल ही की पेंटिंग्स है, यह पहले के भी पेंटिंग्स यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में हमें दिखाई देगी, वह हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आइए रास्ता देखिए, बहुत कठिन रास्ता है। हमारे महाराष्ट्र राज्य में नानेघाट नाम की जगह है, जो सातवाहन जो राजवंश थे उनकी उन्होंने बनाया हुआ जो रास्ता है वो ऐसे ये प्रतीत होता है। देखिए रास्ता है ही नहीं ऊपर जाने के लिए इतना खास, कुछ जानवर है, बंदर बंदर। हम ऊपर हिस्से में अभी लगभग आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं,
यहाँ पर देखिए हम ऊपरी हिस्से में आए हुए, और ऊपरी हिस्से में नारायण गांव वहाँ पर है, तो वहाँ से हम पैदल चलते आए हुए। और ऊपरी हिस्से में यहाँ पर लोग रहते हैं और पुरातन मंदिर है वह देखिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये प्राचीन अवशेष है ये सारे, और इस पर देखिए जो सारे लेख लिखे हुए इसमें जम्बूद्वीप कहा गया है और इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारे पुरातन अवशेष देखे मंदिर के, और एक पुरातन मंदिर है बहुत बड़ा है इस प्रकार से देखिए मंदिर है, और ये इस प्रकार से बनाया गया। ऊपरी हिस्से में से आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर ये सारे जो आपको शिल्प दिखाई दे रही है सारे पुरातन है, ये प्राचीन शिल्प है सारे के सारे, और ये सारे के सारे है ये 11वीं शताब्दी के आसपास के ये सारे शिल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। इतने ऊपरी हिस्से में और ये पहाड़ी पर ये सारे शिल्प बनाए गए, ये उकेरे गए। देखिए ये देखिए अभी जी मंदिर देख लीजिए अभी आप, ये देखिए मंदिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पर ये शिलाएं देखिए इस प्रकार से बनाई गई है। और देखिए ऊपरी हिस्से में एक जैन मुनि का शिल्प दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर वाले शिल्प देखिए यह एक शिल्प हमें दिखाई देगा, ऊपरी विष्णु जी का शिल्प है ऊपर वाला, और ये जैन शिल्प है, और यहाँ पर शंकर जी का शिल्प है, और नीचे ये महाराज जी है, और उनके यहाँ पर पद चिन्ह है, यहाँ पर ये पद चिन्ह है देखिए इस प्रकार के पद चिन्ह जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए ये पूरे जो शिल्प है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री हुआ करती थी उसके यहाँ पर ये सारे शिल्प हैं। ये देखिए ये सारे टूटे फूटे हैं, वही यहाँ पर जो मंदिर है मंदिर के अंदर ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो अलग अलग, ये जो शिल्प है ये सारे यहाँ पर के जो मंदिर बनाए गए इस मंदिरों में यह जो शिल्प है इनका इस्तेमाल हुआ है। आगे आइए अभी हम यहाँ का चैत्य स्तूप देख रहे हैं, जिसके दोनों सिरों पर सिंह स्तंभ अंकित किए गए हैं। इसके साथ इस पवित्र चैत्य की परिक्रमा करने हेतु परिक्रमा पद दिया गया है। इस स्मारक के ऊपरी हिस्से में जो स्तूप बनाया गया है वह सीमेंट का है। स्तूपों की चारों ओर तथागत भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्रा में प्राचीन मूर्तियां अंकित की गई है, साथ ही एक हाथी का चित्र बनाया गया है जिसे सुमेध बोधिसत्व इनके तौर पर दिखलाया गया है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो शिलालेख दिखाई देते हैं जिनका सागर जिले के गीतापुर यहाँ के वैद्यराज आर्य पुत्र केसरी आर्य धर्मवर्धन इनके द्वारा निर्माण किया गया है। यह आधुनिक शिलालेख बहुत ही
श्रद्धापूर्वक बौद्ध धम्म के प्रति कृतज्ञ होने हेतु संस्कृत धम्म लिपि और इंग्लिश में लिखे गए हैं। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे उपदेश, महापुरुषों के विचार, सम्राट अशोक इनका गिरनार यहाँ का 10वां अभिलेख शामिल है। और यह प्राचीन प्रतिमा है, यह धम्म चक्र पवतन जो मुद्रा है उसमें यह प्रतिमा यहाँ पर बिठाई गई है। तो देखिए बहुत ही सुंदर ऐसी प्रतिमा है, आपको तथागत बुद्ध के पीछे और निचले वाले हिस्से में देखिए ये दो हिस्से कटे हुए, ये ऊपरी हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये शैव है और ये जो मूर्ति का जो पत्थर है ये पत्थर अलग है। ये देखिए ये पत्थर अलग है, ये मूर्ति अलग है और ऊपर का जो यहाँ के जो मंदिर रहा होगा प्राचीन, ये उसका स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, और ये शिल्प यहाँ पर लगाया गया है। आइए यहाँ पर देखें, और एक यहाँ पर शिलालेख है और यहाँ पर तथागत बुद्ध की जो धम्मचक्र जो पवतन मुद्रा है उसमें हमें यहाँ पर शिल्प दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है एक चैत्य है जिस पर अभी हम खड़े हैं ना, ये चैत्य है और ये देखिए प्राचीन काल का चैत्य है जिसको यहाँ पर रिस्टोर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए भारत का नक्शा बनाया गया है, आइए देखिए भारत देश का जो नक्शा है यहाँ पर उत्कीर्णित किया गया है। देखिए ठीक से देखिए, ये श्रीलंका देखिए और ये पूरे भारत का ये नक्शा है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनवाया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक भारत की जो राज मुद्रा है, भारत की राज मुद्रा हमें यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए भारत की राज मुद्रा, देखिए ये भारत देश का जो मैप है, आपको ऐसा मैप पूरे देश में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा जो यहाँ पर बहुत खास रूप से बनवाया है। देखिए बहुत ही सुंदर है और लाजवाब जो कलाकृति है यहाँ पर जो की है, यहाँ के जो महंत रहे होंगे या फिर यहाँ पर जिन्होंने काम किया है उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पर काम किया है। और जो प्राचीन काल के जो 16 जनपद थे ना, उन 16 जनपदों का जो वर्णन है, ये देखो 16 जनपद यहाँ पर दिखाई दे रहे प्राचीन काल के। देखिए पूरा जल मत्स्य देखिए, ये उज्जैन देखिए, ये देखिए पूरे जो ये है ये पूरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे यहाँ पर जो जनपद है उनका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। और ये बड़ा शिलालेख यहाँ पर लिखा गया है तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो भारत का शिल्प है जो 16 महाजनपदों का वर्णन करते हुए यहाँ पर उत्कीर्णित किया गया है। तो एक परिसर में ये है, आगे भी और अन्य शिलालेख है और बाद में हम यहाँ पर की गुफा देखेंगे। यहाँ पर एक शिलालेख है और यहाँ पर एक सम्राट अशोक का शिलालेख भी लिखा गया है, मुझे ऐसी जानकारी मिली थी, तो यहाँ पर वह भी रहेगा। आइए अभी हमने यहाँ पर सम्राट अशोक इनका 10वां शिलालेख देखा जो कि गिरनार में से लिया गया है, 14 शिलालेखों में से एक शिलालेख देखा हमने। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर अशोकगिरी नाम दिया गया, ये जो स्थली दिखाई दे रही है इसको अशोकगिरी नाम दिया गया। और यहाँ पर हमने एक चैत्य देखा और चैत्य के साथ बीच में एक स्तूप बनवाया गया और स्तूप में चारों दिशाओं में जिस प्रकार से ओटी स्तूप में चारों भागों में अलग अलग प्रकार की जो प्रतिमाएं होती है, जैसे धम्मचक्र हुई या फिर ध्यान मुद्रा हुई या फिर भूभूमि स्पर्श मुद्रा हुई या फिर अभय मुद्रा, ऐसे चारों जगह पर यहाँ पर मतलब यहाँ पर तीन जगह पर लगाए गए तथागत बुद्ध की मूर्ति और सामने एक धम्मचक्र पवतन की मूर्ति हमने अभी देखी है।
क्या यहाँ पर पानी है क्या? पानी नहीं है, चमगादड़। अंदर क्या है गुफा में? गुफा में उनकी बजरंग बली की मूर्ति। देखिए अंदर बजरंग बली की मूर्ति है कहते हैं मित्र हमारे। हम चलेंगे। गगन जी रुकिए, बहुत मक्खियाँ हैं यहाँ पर, मच्छर बहुत ज़्यादा है। चलिए आइए। और ये चमगादड़ भी बहुत ज़्यादा है। चमगादड़ बहुत ज़्यादा है, ये आराम से आइए आप। जा सकते हैं ना? सेफ है ना? सेफ है ना? ये देखिए, अब देख पा रहे हो यहाँ पर ये गुफा, और बहुत बड़ी गुफा है ये अंदर तक। आइए, यहाँ पर चमगादड़ों की विष्ठा है बहुत सारी। आइए, ये देखिए बहुत बड़ी गुफा है और लंबी भी है, और मच्छर है यहाँ पर पूरे छोटे छोटे, और चमगादड़ के विष्ठा के कारण यहाँ पर गंदगी होने के कारण पूरा ये फैला हुआ है। ये देखिए ये गुफा, यहाँ पर प्राचीन काल में जो लोग रहते होंगे यहाँ पर ध्यान साधना किया करते होंगे, और यहाँ पर हनुमान जी का ये एक मूर्ति है यहाँ पर बिठाई गई। आइए यहाँ पर ये देखिए, इस गुफा में हनुमान जी की मूर्ति बिठाई गई है और भव्य है बहुत। ये देखिए यहाँ पर मच्छर बहुत काफ़ी हैं, और ये गुफा देखिए यहाँ से बड़ी है काफ़ी। देखिए आप अंदर जा नहीं सकते, यहाँ पर भी है लेकिन अंदर हम जा नहीं सकते आगे, चमगादड़ पूरे लटके हुए वो फिर नहीं अपन निकल नहीं सकते। जी जी चलिए, और आगे वाला जो है यहाँ से हम जा नहीं सकते। देखिए यहाँ से जा नहीं सकते। चलिए आइए, ये देखिए जिस प्रकार से हम अंदर आए थे उसी प्रकार से हम बाहर निकलेंगे। यहाँ पर पूरे चमगादड़ की विष्ठा है और उन्होंने की हुई एक नंबर है यहाँ पर। बहुत ज्यादा चमगादड़ यहाँ पर, बहुत ज्यादा चमगादड़ है, बहुत गंदगी। क्या दिखता है? हाँ नदी है, नदी है। ये देखिए सामने वाला नज़ारा देखिए, और वन्य प्राणियों की आवाज़ आती होगी, मोर की आवाज़ दिखाई सुनाई दे रही है हमें। अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। देखिए ये प्रकृति देखिए कितनी सुंदर है, लाजवाब है। ये देखिए पहाड़ी, और हम इस गुफा में गए थे।